नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा साहू और आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर प्रदेश में लगा लॉकडाउन गरीबों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। आर्थिक गतिविधियां बंद होने के कारण लोगों की जीविका पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। जांजगीर जिले के ग्राम बरगांव निवासी दिव्यांग युवक भुवनेश्वर गुप्ता के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। समोसा बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वह भी बंद हो गया। आर्थिक सहायता हेतु भुवनेश्वर 10 किलोमीटर पैदल चलकर सीईओ कार्यालय पहुंचा, लेकिन सरकारी दफ्तर बंद होने की स्थिति में उसे बैरंग वापस लौटना पड़ा। भुवनेश्वर गुप्ता ग्राम बरगांव का निवासी हूं। मेरा लॉकडाउन में बहुत परेशानी हो जा रहा है। समोसा बेच रहा था, मैं जीवन यापन कर रहा था। गांव का जो पटवार बोला तो अभी लॉकडाउन में ऐसा बोला, तो मैं बोला सर मैं कैसा करूंगा, कैसा जीवन यापन करूंगा। मेरा परिवार है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसका पाल पोस बड़ा करना है, तो मेरे पास कुछ साधन नहीं है सर। वही परेशानी हो जा रहा था, इसलिए जा रहा था मैं आवेदन बनवा कर जनपद पंचायत से, ग्राम पंचायत बरगांव से, तो नई मुलाकात हुआ। सीओ से हुआ ना, ये तहसीलदार साहब से हुआ। पैदल पैदल मैं जा रहा हूँ अपना। यहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति है जो बरगांव से नवागढ़ आए हुए थे, पैदल चल रहा था, खाली पैर था, जो विकलांग है तो उसको छोड़ने जा रहे हैं। धूप की वजह से वो खाली पैर है, इसलिए गर्म की वजह से पैदल चल नहीं पा रहा था, तो उसको लेके जा रहे हैं गाँव छोड़ने के लिए, विकलांग व्यक्ति है। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।